स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ताज़ा तरीन अपडेट्स भी दे रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग अलग अलग वीडियोज को कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर जैसे किसी की नियुक्ति बड़े अधिकारी की हुई है तो उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी, और इसके अलावा सरकारी योजनाएं भी आपको जानकारी दी जाएगी, और इसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारी दी जा रही है। तो इसी को और आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग आज की करंट अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वी अनंत नागेश्वरन, इससे पहले ये जो इनकी नियुक्ति हुई है, ये बजट सत्र से ठीक 3 दिन पहले इनकी नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति संसद के बजट सत्र से ठीक पहले की गई है। आप जो है, यानी वी नागेश्वरन जो है, आप 2019 और 2021 के बीच प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद थी, इसमें सदस्य की भी वो रह चुके हैं, यानी महत्वपूर्ण सदस्य था इन्होंने, और जिम्मेदारी के साथ इन्होंने पद संभाला भी है। उन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया है, और आपने मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से वित्त में यानी इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की है। आप इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक भी, इस नियुक्ति से पहले वो एक लेखक भी रह चुके हैं, जो इकोनॉमिक्स पे काफ़ी अच्छी उन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं। एक टीचर भी रह चुके हैं और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी आपने किया है बहुत सारी संस्थाओं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा वो IFMR ग्रेजुएट स्कूल की, यानी जो बिजनेस स्कूल होते हैं, ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में, और क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठित विजिटिंग ऑफिसर के रूप में भी इन्होंने आपने काम किया, यानी वो इम्पोर्टेंट पद पर भी वो डीन भी रह चुके हैं और स्पेशल गेस्ट विजिटर ऑफिसर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा होल्ड है इनका, और प्रसिद्धि भी इनके पास अच्छी खासी है। इन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार आमतौर पर बजट एक दिन पहले पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में पिछले आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल था, ये समाप्त हो रहा था, यानी लगभग एक साल से ये पद रिक्त था। एक साल से पद रिक्त होने के बावजूद के बाद अब वी अनंत नागेश्वरन को अब मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ एजुकेशन बनाया गया है। ये मुख्यतः इस तौर पर वित्तीय सलाहकार सरकार का किस तरीके से बजट को किस तरह से और मॉडिफाई किया जा सकता है, और इसको आम आदमी के लिए और किस तरह सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी नियुक्ति की गई है। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरह की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यानी फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।